ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे कि बाबा कैसे कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कि हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। और ये सवाल है मुक्ता जी का, जिन्होंने पूछा है कि अनुजी ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। तो मैं आप सभी से इस बारे में अगर बात करूँ तो कुछ समय पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, कैसे जाएंगी, कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्या किया जाए ऐसा। लेकिन कुछ नहीं मिला। और जब जाना तो ये जाना कि बाबा का नाम ही एक बहुत दिव्य मंत्र है। बाबा के नाम में ऐसी शक्ति है जिसके आगे सारे मंत्र फेल हैं। तो दिन और रात मेरे सुमा पे एक ही नाम रहता है, साईं 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 साईं। मैं खाती हूँ तो बाबा का नाम याद करती हूँ, उठती बैठती हूँ, कहीं जाती आती हूँ, यहाँ तक कि छींक भी आती है तो साईं नाम निकलता है कि बाबा रहम करना। इससे ज़्यादा कौन सा मंत्र बताऊँ आपको। और जब भी कोई मुझे डिमोटिवेट करता है ना, कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बाबा को मानने से कुछ नहीं होता, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहती हूँ कि साईं संभाल लेंगे। और जब वो नहीं सुनते तो अपने मन में कहती हूँ कि साईं संभाल लेंगे, क्योंकि उन्हें शायद अपने भगवान पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे मेरे मालिक पर बहुत विश्वास है। क्योंकि यहाँ पे दुनिया पर विश्वास करके क्या करूँ मैं, अपनी सांसों का तो भरोसा नहीं है कब टूट जाएं, कब छोड़ दें साथ, तो इंसान का भरोसा करके क्या फ़ायदा। भरोसा करना है तो सच्ची सरकार का करते हैं, उस मालिक का करते हैं जो यहाँ पर भी साथ है और ज़िंदगी के बाद भी हमारे साथ होगा। और जो जो रिश्ता उसने दिया, यहाँ पर संभाल कर रख रहा है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम उसे सिर्फ देख नहीं पाते, अगर महसूस करो तो हर वक्त वो साथ है। और ये सबको महसूस हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सच्चा दिल ही महसूस कर सकता है उस परमात्मा को जिसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। क्योंकि मालिक सबको नज़र आने लग जाए तो फिर क्या बात है, मालिक उसी को नज़र आता है जो सच्चे दिल से उससे प्यार करता है और किसी का कभी बुरा ना सोचता है और ना करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपको मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो, तो कभी किसी का बुरा मत करना और कभी किसी को बुरा मत कहना, फिर देखना आपके दर्द का जवाब वो कैसे देता है। माना कि हमसे कभी कभी कभार गलती हो जाती है, हमने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन हमने स्वीकार करी तो हम बड़े हो गए। और जो स्वीकार नहीं करता वो खुद की नज़र में भी छोटा है और मालिक की नज़र में भी छोटा है। इसलिए जब भी कोई गलती हो ना, तो उसके इंसान के सामने ना सही बाबा के आगे स्वीकार करना कि बाबा मुझसे गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूँ, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। यकीन मानिए वो माफ़ कर देता है, बहुत बड़ा दिल है मेरे बाबा का। तो इसी तरह आप लोग भी अगर कोई किसी मंत्र में मत पड़े, मंत्र है तो देखिए मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मेरी जुबान पर आपने एक ही चीज़ सुनी होगी कि ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं जब नहीं बोलती ना, ऐसा वैसे हुआ नहीं कभी, लेकिन जब मैं नहीं बोलती तो मुझे लगता है मेरा वीडियो आज अधूरा सा रह गया, कुछ कुछ कमी रह गई आज। और जब बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ सब कंप्लीट हो गया। तो अगर आप चाहें तो ये मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम श्री साईनाथाय नमः। और एक सबसे ज़रूरी मंत्र, साईं का नाम हर वक्त कहिए, साईं साईं साईं। और जब प्रॉब्लम आए ना तो हमेशा एक बात कहना कि साईं संभाल लेंगे, साईं संभाल लेंगे। और मैं वादा करती हूँ आपसे, मेरा जो यार है ना बाबा, ये मेरे फ्रेंड हैं और मैं अपने फ्रेंड को बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं आपका क्या रिश्ता है बाबा से, उस रिश्ते के दम पे कहती हूँ कि बाबा संभाल लेंगे, चिंता नहीं करना, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो कल्पना करते हैं उन्हें साईं नहीं, आपको ज़रूर दिखाई देगा। विश्वास कीजिए और चलते रहिए लाइफ में, ज़िंदगी कभी रुकेगी नहीं, आपको अन्न और वस्त्रों की कभी कमी नहीं आएगी। और बस मेहनत कीजिए, बाकी सब हम खुद कर लेंगे, बाबा का साथ है तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरी वीडियो समझ में आई होगी। और अगर अच्छा लगा हो तो बता कर जाइएगा, आशीर्वाद देते हुए जाइएगा, क्योंकि जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार आपको मेरी वीडियो का वेट रहता है ना, मुझे भी वीडियो के बाद आने वाले हर एक कमेंट का वेट रहता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, आपका भी और बाबा का भी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा,
जय साई राम, साई शुभरात्रि। ओम श्री साई नाथा।